सो है फैमिली, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और अभी तो सुबह सुबह हुई है, लसारा है, नहाना पड़ेगा। सो गाइस, मैं दो दिन से बेड पे हूँ, इसलिए नहीं कि उठकर काम करना पड़ेगा। बहुत आलस हो रहा है, बहुत ठंड है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो उठकर फिर नहाना पड़ेगा, ब्रश करना पड़ेगा, फिर ठंडे पानी से हाथ मुँह धोना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं पूरा ये बिस्तर से चिपकी हुई हूँ दो दिन से, और टाइम कैसे जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा होता है क्या? और अगर कोई कॉलेज आने के लिए भी बोलती है तो बोल देती हूँ बिजी हूँ। और फैमिली, मैं क्या सोच रही थी कि मैं कुछ अच्छा काम करती हूँ, लाइक मैं ना चाय दुकान खोल लेती हूँ। सो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे छोटे भाई साहब क्या कर रहे हैं, फ़ोन में देख रहे हैं, एंड इनसे तो पानी तक पिया नहीं जा रहा है। मतलब नज़र नहीं हटनी चाहिए यार वहाँ से, एंड थोड़ी भी नज़र हटी तो आपने वो कहावत तो सुन रखा होगा, नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। तो ये वाला सीन शायद यहाँ पे भी लागू हो रहा है। तो थोड़ी सी भी नज़र नहीं हट रही है, आप देखिए कितना नज़र, मतलब ऐसा क्या देख रहा है ये बंदा कि मतलब उसी पे नज़र टिका हुआ। एंड नाउ इसने फाइनली इसने पानी पी ही लिया, इतनी मशक्क़त के बाद पानी इसने पी ली। अब देखते हैं दूसरा आने वाला कब जाता है इसके पेट में, और अभी तो लग नहीं रहा है कि जाएगा, थोड़ा देर वेट करते हैं। एंड हाँ, अब लग रहा है कि अब चला जाएगा। लोग गाइस देख रहे हो, और यही सब रियलिटी में अपने वीडियोस में दिखा देती हूँ ना, तो इस वजह से मुझे लोग ना शूट नहीं करने देते हैं, क्योंकि मैं बिना बताए शूट कर लेती हूँ। अभी तक इसने खाना मतलब निवाला तक इसने नहीं डाला अपने मुंह में। एंड अब हाँ फाइनली, मतलब देख रहे हो थोड़ी भी नज़र नहीं हट रही, अभी भी नहीं। एंड गाइस, मैंने इस वीडियो में जानबूझकर कट नहीं लगाया, ताकि मैं ये चीज़ दिखाना चाहती थी कि आज की जनरेशन आप देख लो कि कहाँ जा रही है। और जब मैं सुबह सुबह उठी तो मुझे बाहर का नज़ारा यूँ देखने को मिला। एंड ये सब्जियाँ हमारे गांव से निकल कर आती है, मतलब हम जहाँ रहते हैं वो सिटी है, और सिटी के पास में ही एक गांव है, तो वहाँ से भी आलू वगैरह जितनी भी सब्जियाँ होती है ना, तो सुबह सुबह वो लोग बेचने आते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से भीड़ लगी पड़ी है। मेरी हालत तो किस तरह है, 9 बजे कुत्ते के साथ ही ये सब्जी देखने को मिल गया। और गाइस, यहाँ पे सस्ती में सब्ज़ी मिल रही थी, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी पड़ी है, क्योंकि मार्केट दूसरे जगह पे 25-30 रुपए किलो आलू थी, बट यहाँ पे 20 रुपए में ही दे रहा था। खरीदना है हाँ, चलो हम लोग भी खरीदते हैं। एक किलो आलू, तुम एक किलो लेना, हम भी एक किलो ले लेते हैं, है ना शर्लो? अभी हम जा रहे हैं सब्जी लेने, हम और काकू जा रहे हैं, तो हम सब्जी लेकर आते हैं जल्दी से, फिर आपको भी दिखाते हैं। ये एक किलो लेगी, मैं भी एक किलो लूँगी, ठीक है? चलो मम्मी से पैसा मांग के ले। सो ये रहा हमारा पालक, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज हम पालक का कुछ रेसिपी बनाएंगे, एंड यहाँ कुछ मेरी बहन ने बना रखा है सब्जी, साग एंड चटनी टमाटर का, और इसमें है चावल, तो और इसमें है सब्जी। तो इतनी सारी वैरायटी खाना बन चुकी है। मैं डाली ब्रश करूँ, देखो तो उधर कौन है, देखो तो उधर कौन है।
एनीवेज अभी मैं कॉलेज के लिए रेडी हो रही हूँ। कॉलेज जाना है क्योंकि ये 22 से 27 के बीच में एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। 1600 लग रहे हैं और ये मेरा भाई दिए हैं एंड ये मेरी मम्मी दिए हैं इतने सारे पैसे, बट ये पैसे मेरे पास रुकने वाले तो है नहीं। चलो चलते हैं कॉलेज में। तो अब तो मेरा भाई चला गया और इधर मैं पहुंच गई हूँ, टाइम से पहुंची हूँ और सामने दीदी हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। जी थी और अभी मैं जा रही हूँ क्लास में। क्लास में देखते हैं कौन क्लास में, अभी तो कोई आई ही नहीं है, सारे मुझे हैं, बहुत थक गई। तो ये है हमारा क्लास, सारे नीचे हैं। एंड सर यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म दे रहे थे एंड वन एग्जामिनेशन फॉर्म का प्राइस 50 रुपीज़ था। हेलो 56 51 59 57 है ना ये? 59 प्रीति लता, तुम्हारा ये ना? ठीक है ना, 59 है। हेलो, ये सारे चीज़ डॉक्यूमेंट्स चाहिए और ये इस तरह का फॉर्म है, ये वाला फॉर्म इसको फिल करना है। कुछ इस तरह की फॉर्म ये है, इसमें भी मैंने गलती कर दिया है, पार्टनर लगाना पड़ा मुझे। देखो अभी नहीं दिखेगा, बाद में दिखाऊंगी। अभी मुझे घर जाना पड़ेगा, फिर मैं उसके बाद आऊँगी, कल आऊँगी। फ़ोटोज़ भी चाहिए इस फॉर्म में भरने के लिए, मैं वो भी नहीं लेकर आई हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है रुकने का। चलो चलते हैं। और यहाँ पे हम सब ने बच्चों के साथ क्रिसमस डे मनाया, लिटरली बताऊँ तो बहुत अच्छा लगा। एंड हमारे टीचर्स ने बच्चों के बीच में टॉफ़ी भी बांटी एंड बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड गाइज यहाँ पे मैं सेल्फी लेने का ट्राई की बट वीडियो बन गया एंड मैम तो मेरी तरफ देखी थी तो मैं बिल्कुल शर्मा गई थी। अपने अपने ग्रुप में सर्कल में बात कर लो। दीदी का कौन सा आता है? अजीब जानवर है दोनों के दोनों, कितना भी खा ले भूखा ही रहेगा। सो गाइस अब मैं जा रही हूँ सोने, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है और 9:46, तो आप भी रेस्ट करो, मैं भी करती हूँ। बाय।